कि बस हाथ पैर चलाते रहो, कुछ तो क्लिक करेगा, कोई तो होगा जो तुम्हारा काम देखेगा, और किसी को तुम चाहिए होगे, और उस टाइम पे तुम वहां पे अवेलेबल हुए तो वो चीजें वर्क कर जाएंगी तुम्हारे लिए। तो वैसा ही है, मतलब एग्जैक्टली जो जो लाइन बोली गई है पिक्चर्स में वैसा ही कुछ है। अच्छा, यू प्रिपेयर्ड फॉर IIT, तो आपने तैयारी कहाँ से की और कैसी रही आपकी तैयारी? वो जर्नी कैसी थी, प्रिपरेशन जर्नी? यार वो भी मतलब एक अलग जर्नी है। मतलब बेसिकली वो कोटा से ही मैंने तैयारी की, एंड फिर हाँ कोटा की जर्नी स्टार्ट हुई, और काफी अलग थी, काफी काफी स्ट्रेसफुल थी। मतलब जो बेसिकली एक तो वो भी है यार, मतलब मुझे लगता है कि हर हर क्लास के बाद जो जंप होता है ना, लाइक 8th के बाद जो 9th आती है वो बहुत डिफिकल्ट लगती है, 10th के बाद जो 11th आती है वो बहुत डिफिकल्ट लगती है, 12th के बाद जैसे ही 10th के बाद जो 11th, बहुत बड़ा तुम जंप है वो, ग्रेजुएशन के लिए जाते हो, वो बहुत बड़े जंप्स हैं। तो वो भी मुझे लगता है कि वो भी भरना चाहिए उस टाइम, अगर मतलब उसमें जंप्स पढ़ते हो ऐसे नहीं तो। हो। हाँ तो वो लगता था कि यार ये 10th में तो हम अच्छे मार्क्स आए हैं, मतलब तुम टॉपर रहे हो अपने क्लास व्लास के, और ये सडनली ये ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें 11th में लंका लग क्वाड्रेटिक जाती इक्वेशन है। नहीं हो रही है। हाँ मतलब तुम्हें मोशन समझ में नहीं आ रहे हैं, और ये सारी चीजें कैसे समझ में नहीं आ रही। तो वो सारी चीजें फील हुई 11th में। तो 11th काफी डिफिकल्ट रहा, खूब रोते थे हम लोग, हर दूसरे दिन बैठ के रोते थे कि अरे यार कहाँ आ गए, इससे अच्छा आर्ट्स लेके यूपीएससी की तैयारी कर लेते, बाद में बीए कर लेते। तो ये सारे थॉट्स आते थे, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता था कि ये कौन सी मैथ्स है, ये कौन सी फिजिक्स है। तो बट हाँ आफ्टर 2-3 मंथ्स मैंने डिसाइड किया कि अब करते हैं, अब बैठते हैं पढ़ते हैं भाई, वरना घर यहाँ से वापस नहीं जा सकते। बेसिकली जो मुझे सबसे अच्छी अच्छी उस टाइम पे एडवाइसेस जो मिली है वो यही है कि छोड़ के मत आना। मतलब इट्स ओके अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं बन पा रहे हो, फाइन, बट छोड़ के मत आना, एक बार ट्राई तो कर ही लेना। तो वो था कि यार अब छोड़ के तो जाएंगे नहीं, कर लेते हैं, तो अब कर ही रहे हो तो कुछ पढ़ ही लो। मतलब तो उस वजह से फिर मैंने वापस से ट्राई किया और चीजें समझ में आने लग गई। तो 11th ऐसे स्ट्रगलफुल रही, बट मार्क्स अच्छे आने लग गए विद टाइम। 12th फिर काफी चिल रहा, मतलब 12th में मतलब बहुत स्ट्रेस नहीं लेते थे हम, और 11th जितना जंप नहीं था तो उतना ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत टफ है चीजें। तो मजे से जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा था, मैंने हमेशा जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा था उतना ही फॉलो किया, लाइक डीपीपी शीट्स, दैट्स इट। मैंने कभी भी अलग से बुक लेके वो नहीं पढ़ाई की, मेरा ये था कि हाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो बस जेन्युइनली पढ़ते जाओ, उसमें मक्कारी मत करो, बाकी 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 सब देखते हैं क्या होता है। तो और हाँ, और बेसिक से समझने की कोशिश की सारे कॉन्सेप्ट, तो ऐसे ही निकलता गया टाइम। एंड मस्ती भी बहुत होती थी, मैं दोनों चीजें बहुत सही मिक्स रखता था। लाइक मेरा आई थिंक 2 to 6, 2 to 7 के आसपास क्लास होती थी हमेशा, ये वाला टाइमिंग होता था, 2 बजे से 6 बजे के बीच में क्लासेस लगती थी। उसके अलावा लाइक नाइन टू इलेवन और 12 एक बार पढ़ता था सुबह उठ के, और एक सेशन लगाता था मैं आने के बाद, 9 to 12, 9 to 12। तो वैसा था दोनों टाइम, 9 to 12, 9 to 12 पढ़ लिया अपना 4 4 घंटे, और फिर 12 से 3 बजे तक बहुत मस्ती करते थे। लाइक मतलब बाहर घूमना कोटा में, और मतलब पोहे जलेबी खाते हुए घूमना, चाय वाय पीना रात में जाके, ठीक है, और चाय पीते पीते कई बार रेलवे स्टेशन काफी दूर पड़ता है, जो तलवंडी एरिया है वहां से 15 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन, वहां पे पैदल निकल जाते थे राइट राइट 15 किलोमीटर पैदल चल के आ गए, बिना चाय पीने गए थे बस। तो वैसी चीजें करते थे, तो काफी फन जर्नी थी वो। सी, सिंस नाउ यू आर अ वेरी सक्सेसफुल एक्टर एंड आई डोंट नो हाउ IIT हेल्प्ड यू। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता हो कि IIT खड़गपुर का ड्रामेटिक्स क्लब आपको हेल्प